जय गो माता। हम है रानी सारगांव में श्री मारुति अपकोरेन के खेत में। ये जो आप सोयाबीन देख रहे हो, देखिए ये अभी आज की तारीख में कैसा आया है। ये अदरक के नीचे आया है। अभी अदरक तो सूख गया है, हल्दी भी सूख गई है। इसके अंदर ये सोयाबीन लिया था मारुति अपकोरेन के खेत में। ये सोयाबीन को कोई भी रासायनिक खाद का और रासायनिक औषधि का उपयोग नहीं किया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज गौशाला ने जो गोखुर खाद बनाया है, वही गोखुर खाद और गोकृपामृतम का छिड़काव इस सोयाबीन पर किया है। देखिए कितनी अच्छी मात्रा में आया है। बिना जहर मुक्त खेती कीजिए, देश को, अपने गौ माता को और अपने देश के आरोग्य को बचाइए। ये अभी हल्दी निकालने को आई, अभी ये पूरी सूख गई है, लेकिन इसके अंदर ये सोयाबीन जो लिया है तो कितनी अच्छी मात्रा में, रासायनिक खाद का रासायनिक औषधि का उपयोग नहीं किया है, लेकिन बहुत अच्छी मात्रा में आया है। इल्ली के लिए हमने इसको दशपर्णी अर्क का उपयोग किया है और टॉनिक के लिए गौ कृपामृतम का उपयोग जमीन के अंदर से भी दिया है और ऊपर से भी दिया है, तो आप देख सकते हो। और खाद के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो गौशाला ने जो गोखुर खाद बनाया है, वही खाद का उपयोग किया है। आप देख सकते हो इस पे कितना हरापन है। और एक जो फली दिख रहे है, कम से कम 150-200 फली एक एक पेड़ को लगी है। आप देख सकते हो, किधर भी देख लीजिए। अभी ये तो सूखी है, अभी पकने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में अपने को दिख जाएगी। ये देखिए गौ कृपामृतम का और गोखुर खाद का आप भी उपयोग कीजिए। गौ माता को, अपने देश को और हमारे देश के आरोग्य को और किसान को बचाइए। हमारा उद्देश्य यही है, गौ आधारित खेती करके रसायन मुक्त, जहर मुक्त, विष मुक्त और खर्च मुक्त खेती करके हमारे गौ माता को, हमारे देश को और देश के भविष्य को, किसान को, खेती को और आरोग्य को बचाइए। गौ कृपामृतम आपको फ्री मिलेगा। मेरा नंबर नोट कीजिए, 9421389861।